मेरे भाई लोग अपने OP42 अपडेट में आने वाले हैं लेजेंडरी और OP लेवल के इमोट जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होने वाला है। ओ भाई ये क्या है। तो आज की इस वाली वीडियो में अपने OP42 अपडेट में जितने भी इमोट हमें देखने को मिलने वाले हैं, सभी का सभी वीडियो रिव्यू करवाने वाला हूं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अपने OP42 अपडेट में हमें कौन सी न्यू इवोगन देखने को मिलने वाली। तो गाइस आज की वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो इस वाली वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर से कर दो और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। थैंक यू दोस्तों कि आप सभी ने मेरे छोटे से काम जरूर से पूरा कर ही दिया होगा। तो चलिए और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे भाई लोग फर्स्ट नंबर पे होता है अपने ये वाले इमोट जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। यहाँ पे कितना ऑसम इसमें एनिमेशन वगैरह दिया गया है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल और कमाल का लगता है। अरे बाबा। तो मेरे भाई लोग अपने ये वाले इमोट होने वाला अपने हाइपर बुक का जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस तरह से इस इमोट में एक अलग ही तरह से एनिमेशन वगैरह करते हो। यहाँ पे एक हाइपर बुक हाथ में निकाल के दिखा दे रहा है। तो गाइस इससे अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि ये वाली हाइपर बुक जो अपनी रहने वाली किसी गैलेक्सी थीम पर बेस्ड रहेगी, क्योंकि आप लोग इसे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे जब बुक निकल के आती है तो बुक के अंदर में जो यहाँ पे कुछ गोल गोल से यहाँ पे घूमता हुआ नजर आता है। तो इससे तो अभी साफ पता चल रहा है कि अपनी ये जो हाइपर बुक होने वाली किसी गैलेक्सी थीम इवेंट पर ही रहने वाली है। और भाई अपना जब OP42 अपडेट आ जाएगा तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो जाएगा, बाकी का आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको तब दे देंगे। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमोट की ओर जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। अपने ये वाले इमोट यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़क होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं यहाँ पे कैसे एक ग्लू वॉल को तोड़ फोड़ के यहाँ पे मरम्मत करके एकदम यहाँ पे जो है एक ट्रॉफी का लुक इसमें दे दिया जाता है, जो की ट्रॉफी देखने में लगती है कि अपने होनर स्कोर की रहने वाली। तो गाइज हो सकता है कि अपनी ये वाली ट्रॉफी जो है ये वाला इमोट जो है हमें फ्री में मिल जाए, लेकिन गाइज ये हमें फ्री में मिलेगा तो लेकिन ये वाला इमोट जो है हमें सिर्फ यहाँ पे टाइम लिमिट पर ही मिला है। तो गाइज आपको कैसा लगे मुझे कमेंट में जरूर से बता। तो दोस्तों यहाँ पे अपने नेक्स्ट इमोट होने वाला अपने एक कार वाले इमोट जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। यहाँ पे कितनी शानदार ओपी लेवल की लंबरगिनी जैसी नहीं गाइज ये लंबरगिनी है। तो गाइज ये वाले इमोट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला और गाइज ये वाले अपने इमोट होने वाले यहाँ पे एकदम रनिंग टाइम वाला इमोट जो की गाइज आप लोग यहाँ पे पता होगा आप लोगों को कि अपने गेम में कुछ ऐसे इमोट है जो की एकदम रनिंग टाइम में रहते हैं, जिन्हें आप एक बार यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो तो अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो गाइज अपने ये वाले इमोट भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो की यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी बात होने वाली और इसमें बैठने के बाद यहाँ पे एकदम नंबर वन वाली फीलिंग आने वाली। तो गाइस अपने ये वाले इमोट तो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला, आपको कैसा लगे भी मुझे कमेंट करके जरूर से बता दें। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इमोट की ओर जो कि आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि अपने गेम में अपने ये छतरी वाले इमोट हमें एक यहाँ पे मिशन के दौर पर दिया गया। तो मेरे भाई लोग अपने गेम पर एक और ऐसा ही छतरी वाली इमोट आने वाला जो कि अपने कुछ इस तरह का रहने वाला, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे गोल्ड कॉइन वाली यहाँ पे बारिश हो रही है और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डांस वगैरह करता और बाद में जो है इसमें लात मार के से ओपन कर देता। तो गाइज आप मुझे कमेंट में ये जरूर से बताने की जो डांस करता है आपने ये वाला डांस पहले कहीं पर देखा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने ये वाला डांस पहले कहीं पर देखा तो किसे करते हुए देखा है मुझे कमेंट में जरूर से बता दे। तो चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट इमोट की ओर जो कि अपना नेक्स्ट इमोट भी एक डुप्लीकेट इमोट होने वाला है, लेकिन इमोट आपको जरूर से पसंद आएगा। चल झूठा। तो मेरे भाई लोग अपने वो डुप्लीकेट इमोट ये वाला होने वाला जो कि आप लोग यहाँ पे देखते ही पहचान गए होंगे, अपने ये वाला डुप्लीकेट इमोट रहने वाला अपना गेम ऑफ थ्रोन इमोट की तरह यहाँ पे सेम टू सेम डुप्लीकेट। लेकिन गाइस इस बार इसमें जो है आप देख सकते हो कि इस बार की इस वाली इमोट में यहाँ पे जो है कुर्सी चेंज कर दी गई और साथ ही साथ इसमें जो है एकदम महाराजा सेठ लोगों की तरह इसमें ये बंदा जो है बैठा हुआ और साथ में मूनी पैट जो इसकी सेवा करता है यहाँ पे पंखा करता है और साथ में यहाँ पे चाय ला के गर्मा गर्म इसके ऊपर गलती से गिराया। तो गाइस ये वाले इमोट यहाँ पे बहुत ज्यादा फनी और यहाँ पे एकदम शाही फीलिंग देने वाले अपने ये वाले इमोट रहने वाला, जिसे लेने के बाद गाइस अगर आप लोग भी इक्विप करते हो तो बस मुंह से एक ही बात निकलेगी, अपन भाई लोग है क्या, और अपने को एकदम भाई लोगों की तरह रहने को मांगता। तो अपने माफिया इमोट के बाद अपने को नेक्स्ट में देखने को मिला गाइस अपना ये वाला इमोट जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस अपने ये वाले इमोट यहाँ पे विंटर थीम पर रहने वाला जो कि अपने को यहाँ पे ठंडियों के मौसम में ही अपने वाले इमोट जो अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाला, ठंडियों के टाइम पे ही इवेंट आएगा और उसी इवेंट के अंदर अपने को ये वाला इमोट मिलेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि अपने ये वाले इमोट यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल रहने वाला और साथ ही साथ अपने ये वाला इमोट अपना रनिंग इमोट रहने वाला जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही भी बता चुका हूँ लंबरगिनी कार वाला। तो यहाँ पे अपने वाले इमोट रहने वाला अपने यहाँ पे सर्फिंग इमोट जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी लुक देता है और इसी साथ साथ हमें यहाँ पे नेक्स्ट में देखने को मिला अपने ये एंग्री इमोट जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं इसका खराब मूड होने पर इधर पीछे आग लग जाती है और थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद अपने हाथ पैर जो है यहाँ पे पटकने लगता है। तो अगर गाइस आपको भी गेम में गुस्सा आता है तो आप ये वाला इमोट जरूर से ले लेना और अपने जो है बंदों को अपना गुस्सा दिखा सकते हैं और इसी साथ साथ अपने नेक्स्ट में अपने ये वाला इमोट रहने वाला है जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं
किस तरह से अपने हाथ को आड़ा टेढ़ा करके यहाँ पे जो एकदम कंफू की तरह मारता भाई साहब, ये वाला इमोट भी एकदम लाजवाब रहने वाला। तो गाइस अगला इमोट अपना होने वाला है ये वाला, जो कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ठीक तो रहने वाला नहीं है, लेकिन जो भी ये वाले भी एक नंबर इमोट रहने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के यहाँ पे जो है डांस वगैरह करता है। तो गाइस अपने ये वाले इमोट जो हमें एकदम फ्री में मिलने वाले, लेकिन अभी किसी इवेंट वगैरह में मिला है तो फिलहाल अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा ज्यादा चांस है ये वाले इमोट जो हमें फ्री में ही मिले। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने न्यू अपकमिंग ईवो गन्स के बारे में, क्या हमें 42 अपडेट में कौन कौन सी न्यू ईवो गन्स देखने को मिलने वाली है। देवा क्या जनरल नॉलेज है। तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अपने OB41 अपडेट के यहाँ पे अभी बहुत सी ऐसी गन रह गई हैं जो कि अभी आना बाकी है। तो गाइस वो सभी गने हमें अपने OB42 अपडेट के अंदर ही देखने को मिलेगी, जो कि अपनी इनमें से एक स्कार गन भी रहने वाली है। तो अपनी स्कार 2.0 अपने OB42 अपडेट के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। तो अपने ये वाली पूरी गन यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बस इसमें जो इसकी एक कमी रह गई है वो अभी यहाँ पे जो है इसका इमोट अभी फाइनल रहना बाकी है। तो गाइस अब जैसे इसका पूरी तरीके से रेडी कर दिया जाएगा, इसका इमोट वगैरह जो कुछ भी है, इसका आइटम वगैरह यहाँ पर सब का सब तैयार हो जाएगा, तो इसे अपने OB42 अपडेट के अंदर इस वाली गन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपको इस वाली गन का अभी लुक कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। तो इसी साथ अपने नेक्स्ट में देखने को मिलेगी अपनी ये AC-80 गन की स्किन। तो गाइस वैसे तो अपनी ये वाली गन एकदम यहाँ पर रेडी हो चुकी है, लेकिन गाइस अभी फिलहाल पता नहीं इस गरीन वालों को क्या सूझा कि अपनी इस वाली गन को जो यहाँ पर लेवल 7 से लेवल 8 में बदलने की लगी हुई है। तो गाइस अभी ये वाली यहाँ पे अपनी जो गन है यहाँ पे लेवल 7 से लेवल 8 पर होने के बाद ही अपने गेम में आएगी, और साथ ही अपनी वाली गन यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो जैसी लग रही है, जो कि अपनी पहले से ही ऑलरेडी एक स्कॉर्पियो गन हैगी, स्कॉर्पियो M10। तो इसीलिए इसे भी जो है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करा जाएगा, इसका एनिमेशन वगैरह इसमें लग दिया जाएगा, तब जाके अपनी वाली गन आएगी। और इसके साथ साथ अपने नेक्स्ट में ये वाली गन अपनी वो होने वाली है, जो कि यहाँ पे G80 अल्टीमेट अचीवमेंट रहने वाली। तो गाइस आप लोग इसका लुक वगैरह देख ही सकते कितना ज्यादा OP बनाया गया है, लेकिन गाइस अभी इसका जो यहाँ पे सिर्फ फाइनल लुक ही यहाँ पे तैयार किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके इमोट और एनिमेशन की, तो अभी इसका जो है इमोट एनिमेशन यहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ, और इसका जो यहाँ पे फर्स्ट लुक वगैरह भी होता है वो भी अभी इसका बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ। तो ये वाली गन अभी आने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम है, क्योंकि गाइस अभी इसे जो यहाँ पे तैयार करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जो है सबसे पहले यहाँ पे अपनी स्कार 2.0 देखने को मिली, और उसके बाद जो यहाँ पे अपनी AC-80 वो गन की स्किन देखने को मिलेगी, उसके बाद हो सकता है कि अपने को जो अपनी G80 गन की स्किन देखने को मिले। तो इसी के साथ साथ हमें गाइस यहाँ पे अपनी ट्रोगोन गन की यहाँ पे ईवो गन स्किन देखने को मिलने वाली, लेकिन गाइस अभी इसका फाइनल यहाँ पे फिलहाल फाइनल वगैरह नहीं हुआ कि इसकी हमें जो है ईवो गन स्किन वगैरह क्या कैसी देखने को मिलने वाली है, इसका लुक एनिमेशन वगैरह क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन गाइस ये फाइनल हो चुका है कि अपने OB42 अपडेट के अंदर अपने को इस वाली गन की स्किन जो है देखने को मिलने वाली है। तो अभी तो फिलहाल में इस वाली गन के बारे में ज्यादा यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, लेकिन गाइस इतना बस पता है कि अपनी इस वाली गन के लेवल जो यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 लेवल रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहली गन ईवो में आती है उसका पहला लेवल सिर्फ 7 ही दिया जाता है। और साथ में गाइस अभी अपने OB42 एडवांस सर्वर आना बाकी है, तो देखते हैं अभी अपने OB42 एडवांस सर्वर के आने के बाद हमें क्या क्या लीक्स वगैरह और अपडेट्स वगैरह इसमें देखने को मिलता है। तो अभी तो आप लोग बस इतना सही काम चला लो, जैसे अपना OB42 का एडवांस सर्वर आ जाता है आपको और भी लीक्स अपडेट वगैरह मैं ऐसे ही देता रहूंगा। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो, जैसे अपने OB42 का एडवांस सर्वर आ जाएगा आपके यहाँ पर सारी लीक्स अपडेट वगैरह एकदम क्लियर करके मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आपसे मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।